हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अल्केमी चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपकी अपकमिंग एग्जाम जो जून 2020 का था वो अब आपका नवंबर में कंडक्ट होने जा रहा है। तो उसके लिए अब हमारी 15 डेज की क्या प्लानिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या मैं कहूं रिविजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो हम यहां पर आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब वो डिटेल में डिस्कस किस प्रकार से करेंगे, क्या अपना जो कंप्लीट डे है उसका क्या किस प्रकार से प्लान होना चाहिए, वो या मैं आप लोगों के सामने डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक यहां पर स्ट्रेटजी प्लान आप लोगों के सामने यहां पर लेकर आया हूं। ठीक है, तो यदि आप इस जो स्ट्रेटजी है यदि इसको सीरियसली फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो आप इजी गोइंग आने वाले अपकमिंग एग्जाम सीएसआर नेट जून 2020 के लिए 120 मार्क्स जीआरएफ के सिक्योर कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। किस प्रकार से स्ट्रेटजी होगी हमारी फुल डे की, वो मैं आप लोगों के सामने यहां डिस्कस करूंगा 15 डेज की। क्लियर है? किस प्रकार से रिवीजन करना है, क्या पैटर्न होना चाहिए पर डे का, किस वक्त किस टॉपिक को कहां आपको यूज करना पड़ना है, वो सब चीज यहां पर डिस्कस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अब आने वाले समय के लिए, तो उसमें किस प्रकार से हमारी स्ट्रेटजी होगी वो यहां पर मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। देन जो रेफरेंस बुक है हमारी, वो बुक्स वन बाय वन मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो, चाहे वो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने प्लान डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत ही पेशेंस के साथ, और कंप्लीट जरूर वीडियो देखें क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला इस वक्त में जो अब समय आने वाला है, इसके लिए बहुत हेल्पफुल करने वाला ये वीडियो। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है प्लान सीएसआर नेट 2020 का लास्ट 15 डेज का। सबसे पहले हमको मैनेजमेंट करना है टाइम का, टाइम और डेट को मैंने यहां पर लिया है, और आपको ध्यान देना है यदि आप ये प्लान 1 नवंबर से अप्लाई करते हैं तो आप 15 नवंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो आपका रेस्ट दिन है 2 या 3 उसमें आप अपना प्लान, जो रेस्ट रिमेनिंग पोर्शन होगा वो आप वहां पर रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अब देखिएगा, मैं यहां पर जैसे ही आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं उसके बाद से 7 AM से 9:30 AM आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने चूज किया यहां पर डेज 1, 2 और 3 मतलब 3 डेज तक हमको यहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट को कवर करना है। 3 डेज के अंदर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट कवर करना है। टाइम क्या रहेगा आपका, सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 तक। क्लियर है यहां तक? ये आपका ऑर्गेनिक का है। सेम उसी दिन 1, 2, 3 इन 3 दिन के अंदर ही देन हम डिस्कस करेंगे 1 आवर का गैप के बाद में 10:30 से 1 PM आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेजर टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये आपको स्टडी करना है 3 डेज के अंदर। ये आपका रिविजन के वे ऑफ पैटर्न से कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस प्रकार से आपको रिविजन का टाइमिंग मैनेजमेंट आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, फिर यहां पर हमने रेस्ट दिया है उसके बाद में 3 PM से 5 PM आपको फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम केमिस्ट्री को कवर किया है। किसको कवर किया है आप लोगों के सामने, क्वांटम केमिस्ट्री को हमने यहां पर कवर किया है। ठीक है, ये हमारा प्लान हो गया 3 मेजर टॉपिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का। सबसे पहले हमने स्टीरियो केमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पोर्शन दिया, ये हम 3 दिन तक सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। 1 डे 2 डे 3 डे, ये 3 डेज तक हम ये प्लान पैटर्न को फॉलो करेंगे, इन टॉपिक्स को हम यहां पर क्लियर करेंगे। उसके बाद में जो आपका टाइम है 6 से 9:30, इसमें आपको असाइनमेंट जो है वो सोल्व करने हैं और टेस्ट पेपर आपको लगाने हैं। अब वो टेस्ट पेपर जो असाइनमेंट्स है सोल्व करने के लिए, वो आपको अपने पास हो सकते हैं, आपके पास हो, अब तक नहीं है तो आपका जो अपना चैनल है दौल के भी, इसका एक लाइब्रेरी का ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम के ऊपर, आप उसको ज्वाइन करेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा असाइनमेंट्स और आपको टेस्ट पेपर वहां पर प्रोवाइड कर दिए गए, तो आप वहां जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, तो आपको वहां पर ये सब चीजें मिल जाएगी। तो 6 PM से 9:30 PM तक आपको क्या करना है बेसिकली, कि आपको असाइनमेंट देना है और पेपर देना है, ताकि ये जो आपने स्टडी किया है सुबह से शाम तक, इसका
कितना अपने पास आउटपुट निकल के आता है उस दिन, वो हमको यहां पर पता लग जाएगा। क्लियर है यहां पर मेरी बात? अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद में 10:30 से 11:30 तक ये आपका एंजॉयमेंट का टाइम रहेगा। एंजॉयमेंट का टाइम का मतलब ये होगा कि इसमें आप फोन को यूज करें, फेसबुक वास्ते, मूवीज वगैरह जो भी आप पसंद करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इस टाइम पीरियड के दौरान यहां से यहां तक आपको फोन का यूज नहीं करना है फॉर टाइम वेस्ट। क्लियर है मेरी बात? तो आपको करना क्या है कि आपका ये फिक्स पर डे 1 आवर का टाइम फिक्स हो गया कि आप इस आवर में ये सब चीजें कवर कर सकते हैं। क्योंकि कई चीजें आज की डेट में फेसबुक पर आप विजिट करेंगे, व्हाट्सएप विजिट करेंगे, तो कई आपके पास इंपोर्टेंट टॉपिक, नोटिस, कुछ भी आपके साथ अपडेट होता रहता है, तो वो आपको तुरंत वहां पर मिल सकता है नोटिफिकेशन। तो इसलिए यहां पर ये सब माइंड फ्रेश के लिए भी जरूरी है और कुछ एक्टिविटीज के लिए भी जरूरी होता है। तो ये आपके लिए 1 आवर का यहां पर टाइम रहेगा। उसके बाद में आपका 11:30 से 12 PM रात को तक, ये आपका जो आधे घंटे का प्लान है, इसके अंदर आपकी प्लानिंग फॉर नेक्स्ट डे एंड रिकॉल करना है आपको। रिकॉल का मतलब है कि ये जो आपने सुबह से शाम तक जो स्टडी किया है, असाइनमेंट लगाए हैं, क्या वीक पॉइंट रहा है, क्या हमने कवर किया है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हुआ, वो सब यहां पर रिकॉल करना है। साथ ही साथ प्लानिंग फॉर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे की आपको प्लानिंग करनी है कि किस प्रकार से मुझे सुबह से टाइम मैनेज करना है आने वाले डेज की। ये चीज आप करके सोते हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और बहुत ही स्मार्ट स्टडी से आप अपना मैनेजमेंट करते हुए टाइम का, इस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया 1, 2 और 3 डेज आपके यहां पर कवर हो गए आप लोगों के सामने। 3 डेज तक आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। देन इसके बाद में 4th, 5th और 6th डे को आपको वही पैटर्न सेम टाइम पर ऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट को कवर करना है। किसको कवर करना है? नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट्स को कवर करना है ऑर्गेनिक के अंदर। क्या टाइम है आपका? 7 से 9:30 AM। उसके बाद में आप 10:30 से 1 PM तक आपका जो टाइम है उसमें आपको क्या कवर करना है यहां पर? OMC, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटालिक जो केमिस्ट्री है ये आपको कवर करना है किस टाइम में? 10:30 से 1 PM के टाइम पीरियड के अंदर। क्लियर है यहां तक मेरी बात? ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी का प्लान आप लोगों के सामने डिजाइन करके लाया गया है ताकि आप लास्ट 15 डेज में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सके और मेजर एंड माइनर टॉपिक्स को कवर करते हुए। देन देखिएगा 3 PM से 5 PM के बीच में आपको क्या करना है? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनेमिक्स जो है आपका, अब इसमें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आपका स्टैटिकल स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स भी आ जाएगा। तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, ये कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स आपको 4th, 5th एंड 6th डे को कवर करना है। 3 डेज के अंदर आपका ये टॉपिक जो मैंने लिए हैं, ये टॉपिक इजी गोइंग कवर हो सकता है यदि आप अब तक अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते आ रहे हैं तो। क्योंकि रिवीजन का मतलब होता है कि ये जो टाइम बाई डिवीजन होता है डेज बाई, जिसमें आपका टॉपिक सब्जेक्ट का कंप्लीट होना जरूरी है। अब देखिएगा उसके बाद में सेम वही पैटर्न जो आपने किया है वही आपको 6 PM से 9:30 PM तक असाइनमेंट्स और पेपर सोल्व करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन आप लोगों के लिए ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है मैं आपको फिर कह रहा हूं? क्योंकि आपने जो यहां पर दिन भर मेहनत करी है इसका आउटपुट आपको ये देगा और इससे आपका वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता लगेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप लोगों को टेस्ट पेपर की और असाइनमेंट्स की प्रैक्टिस करनी है, उसी टॉपिक की कीजिए जो आप करते आ रहे हैं। क्लियर है यहां तक मेरी बात? उसके बाद वही आपका टाइम जो 1 घंटे का फिक्स है उसमें आप लोगों को एंजॉयमेंट के साथ में आपके नोटिफिकेशन वगैरह जो भी न्यूज है वो आप यहाँ पर अपडेट हो सकते हैं। उसके बाद में आपकी प्लानिंग होनी चाहिए नेक्स्ट डे की और उस दिन आपको जो भी किया है उसका आपको रिकॉल होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से आपका स्ट्रेटजी पैटर्न चलता रहेगा अपना। तो हमने देखिए यहां पर 15 डेज में से यहां पर 6 डे का प्लान डिस्कस कर लिया। कितना दिन का? 6 डे का प्लान हो गया जिसके अंदर आपका ऑर्गेनिक के 2 मेजर टॉपिक हो गए, नेम रिएक्शन रिएजेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री। देन यहां पर और इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके यहां पर कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री कंप्लीट होगा। और यहां पर फिजिकल की बात करें तो 2 मेजर टॉपिक क्वांटम केमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री, या थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपकी कंप्लीट होगी। असाइनमेंट्स आप साथ में देते रहेंगे, आपका एंजॉयमेंट टाइम चलता रहेगा। यहां तक मेरी बात क्लियर आ रही है?
अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि सेवंथ डे से लेकर 15th डे आपका क्या प्लान होना चाहिए। क्लियर यहां तक? अब देखते हैं, अब जैसे ही हम 6th डे कवर कर जाएंगे, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 7th और 8th डे हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। 7th और 8th डे क्या करेंगे, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टार्ट करेंगे पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री। क्या डिस्कस करेंगे हम? पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री। पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री को हम रीड करते हुए यहां पर सोल्व करेंगे, उसके बाद में हम इनऑर्गेनिक में उस वक्त साथ में साथ क्या डिस्कस करेंगे, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप क्या ध्यान देना है कि 7th और 8th डे दो आपका है उसमें आपका पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री चलेगा 7 से 9:30, देन आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगा इनऑर्गेनिक के अंदर, और उसी वक्त जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक हमने डिसाइड किया है वो हमारा रहेगा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स उस वक्त हम यहां पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और सोल्व करेंगे। क्लियर है तो मेरी बात? और सेम प्रॉब्लम वही आपकी 6 PM से 9:30 आपको असाइनमेंट सोल्व करना है, देन आपका रिमेनिंग टाइम जो प्लानिंग है वो इंपॉर्टेंट। ये जो चीज है ना मैं फिर कर रहा हूं आपको इस चीज के बारे में, सेकंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट डे की प्लानिंग साथ ही साथ आपकी रिकॉल करने की जो स्ट्रेटजी है, रिकॉल करना वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरा बात कि आपको 7th और 8th डे आपको किस प्रकार से प्लान स्ट्रेटजी करना है। टॉपिक देख लीजिए आप, बहुत ही फिनिशिंग से आप टॉपिक को देख लीजिए। सेकंड देखिएगा, 8th डे कंप्लीट होने के बाद में 9th और 10th डे को यदि पकड़े तो 9th और 10th को क्या होगा कि यहां पर पेरिसाइक्लिक का टॉपिक क्या है कि थोड़ा लेंदी रहता है, दो दिन में कवर नहीं हो पाएगा। तो उस वाले वक्त में क्या करेंगे कि हम 9th डे को किसको ले देंगे, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री को दे देंगे। किसको देंगे हम? पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री को। तो जब 9th डे को पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री दूंगा उसके साथ में आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, एब ब्लॉक। क्या स्टार्ट हो जाएगा? एब ब्लॉक। और उसी वक्त जो केमिकल काइनेटिक्स है वो भी 3 डेज के अंदर मिनिमम कंप्लीट होने के लिए चाहिए उसको। तो फिर जो रिमेनिंग टॉपिक होगा केमिकल काइनेटिक्स का वो आप यहां पर कवर कर लेंगे। किसको? 9th डे को। तो 9th डे को आपने क्या किया, पेरिसाइक्लिक, एब ब्लॉक और काइनेटिक्स को लेते हुए आपके असाइनमेंट को सोल्व करेंगे और अपना प्लानिंग करेंगे। सेम उसी डे को जब 10th डे को आएंगे तो 10th डे को पेरिसाइक्लिक तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद में हमारा ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट हो जाएगा। इस ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ में आपका क्या चलेगा, एब ब्लॉक चलेगा, क्योंकि एब ब्लॉक मिनिमम 2 डेज लेता है। यदि हमको रिविजन पैटर्न में देना है तो एब ब्लॉक को हम 2 दिन में कवर करेंगे, उसके बाद में यहां काइनेटिक्स आपका कंप्लीट हो गया 3 डेज के अंदर। उसके बाद में आपको क्या करना है, मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर का जो टॉपिक है विन वन डे आपको ये कंप्लीट करना है, पॉलीमर को आपको कंप्लीट करना है। सफिशियंट आपको इसमें क्या फॉर्मूला देखना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको कवर करते हुए चलना है। तो आपको मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स को कवर करना है, किसको, 10th डे को। तो ये 10th डे तक की आपकी प्लानिंग होगी। एब ब्लॉक आपका 2 दिन हो गया, 9th और 10th को, पेरिसाइक्लिक आपकी 9 तक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम 10th से स्टार्ट कर देंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन आपको असाइनमेंट सॉल्व, पेपर सॉल्व करना, देन ये आपका प्लानिंग रिकॉलिंग और नेक्स्ट डे की प्लानिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक बार आप इसको बहुत ही शानदार तरीके से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। लेकिन ये क्या आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से आपको ये जो पैटर्न है, ये टाइम मैनेजमेंट है, डेज वाइज है, ये आपको किस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है ये पता होना चाहिए। तो हम कितने दिन तक कवर कर चुके, 10 डे तक हमने 10 डे कवर कर लिया आपके 15 डेज की स्ट्रेटजी प्लान के अंदर। ये स्ट्रेटजी प्लान आपका रिविजन का होना चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर टाइम मैनेजमेंट इस प्रकार से फिट किया है। केमिकल काइनेटिक्स 3 डेज लेता है तो मैंने 3 डेज को कवर किया, 7, 8 और 9। 3 डेज में आपकी काइनेटिक्स कवर हो जाएगी। एब ब्लॉक 2 दिन में होता है, बायो ऑर्गेनिक भी 2 दिन में होता है, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री 3 डेज में होता है, तो 3 डेज के लिए। फिर यहां पर आपका ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी 10 डेज से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कब तक चलता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। क्लियर है? यहां पर आपका केमिकल काइनेटिक्स 3 डेज में कवर हो गया और ये पॉलीमर यहां पर आपका 10th को 1 डे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारी 10 डेज की स्ट्रेटजी हो चुकी है। आगे मैं डिस्कस करता हूं आपसे 11 से 15 डेज की हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, और उस पैटर्न को देखेंगे आप, उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार की हमारी स्ट्रेटजी, अब इस प्रकार को अप्लाई करने के बाद किस प्रकार से हमारा सारे कंसेप्ट कवर होते हैं। क्लियर है यहां तक? अब मैं बताता हूं आपको 11 से लेकर के 15 डेज की स्ट्रेटजी प्लान। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपके सामने बताता हूं 11 से 15 डेज की जो हमारी स्ट्रेटजी होगी रिविजन की वो किस टॉपिक के बेस पे होगी। तो जब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो हमारा 10th डे से ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट हो चुका है।
इतना बड़ा है, समय लगता है, तो आपको क्या करना है, 11th डे को भी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को देना है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को देना है। और उस ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ में हमारा एप्लो बाइंडअप के बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट हो जाएगा मेन ग्रुप एलिमेंट्स। मेन ग्रुप एलिमेंट्स जो है वो हमारा मेजर सब टॉपिक जो है लेसन है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की, तो यहां पर हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा किसका, अपना सॉलिड स्टेट। और ये सॉलिड स्टेट हमारा एक दिन के अंदर कंप्लीट भी हो जाना चाहिए। ये हमारी बात हो रही है रिविजन स्ट्रेटजी के अंदर। तो मैंने क्या डिस्कस किया, 11th टाइप को जो हमारा होगा 11th डे, उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक वाला मेन ग्रुप एलिमेंट और सॉलिड स्टेट चलेगा। साथ में ये हमारा कॉमन है जो मैंने आपको बता रखा है, सॉल्व असाइनमेंट एंड टेस्ट पेपर, देन हमारा एंजॉयमेंट वाला टाइम, उसके बाद में प्लानिंग फॉर नेक्स्ट डे एंड रिकॉल। क्लियर है यहां तक? अब देखिएगा ध्यान से, 12th डे की बात कर रहा हूं मैं, 12th डे भी आपको ऑर्गेनिक के अंदर ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही कवर करना है। अब उसमें यूवी है, आईआर है, एनएमआर है, C13 NMR है, वो सब चीज आपकी आएगी। उसके बाद में यहां मेन ग्रुप एलिमेंट आपका स्टार्ट हो चुका, तो यहां पर फिर मेन ग्रुप एलिमेंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है यहां पर 13 से 18 आवर ग्रुप गप आपको जाना है। तो आप यदि पर डे 2 ग्रुप्स को भी कवर करते हुए चलते हैं, तो आपका यहां पर 3 डेज के अंदर मेन ग्रुप एलिमेंट कवर होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट डे होगा 12th जो है, उसमें आपका वहां सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो गया 11th को, तो यहां पर हम किस चीज को डिस्कस करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री को कवर करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री जिसमें एडसोर्प्शन वगैरह जो आपका फिनोमेना है, बेट इक्वेशन वगैरह की, लेग्यूमर आइसोथर्म, ये हम यहां पर कवर करेंगे। तो ये हमारा 12th डे का प्लान हो गया, सेम वही आपका असाइनमेंट के साथ में हमको कवर करना है। जो हमने टॉपिक किया उसका असाइनमेंट और पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी दिन आपको कंप्लीट करना, ताकि आपके वीक पॉइंट्स पता लग चले। उसके बाद में 13 डेज आएगा, 13 के बाद जो डे है उसको भी आपको ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को देना है, उसके साथ में मेन ग्रुप एलिमेंट को देना है क्योंकि 3 डेज का प्लान है। उसके बाद में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहां पर ऑर्गेनिक में स्टार्ट करना है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ में आपको एक चीज बता दूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हमने दिया है यहां पर 2 डेज को। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ में आप पैरेलली इसी के साथ में आप स्टार्ट कर सकते हैं आपकी फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। किसको स्टार्ट कर सकते हैं, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी को, कितना, हाफ आवर। यदि आप इसमें हाफ आवर फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी को देते हैं, तो आप 13 से 15 डेज तक जब जाएंगे, तो आपका फिजिकल स्पेक्ट्रोवाला जो पोर्शन है, चाहे वो एनएमआर है, चाहे वो रोटेशनल है, चाहे वो रमन है, उसके अंदर आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको 13 डेज का कवर आ गया, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मेन ग्रुप एलिमेंट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ में फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन आपका असाइनमेंट पैटर्न चलेगा। मैं बात कर रहा हूं यहां पर 14 डे की, तो 14 डे को यहां पर ऑर्गेनिक में अंदर आ जाएंगे एरोमेटिसिटी या जीओसी वाला पोर्शन, जिसको आपको पता है एसडीटी बेसिटी वाला जो बेसिक कंसेप्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन मॉडल, तो यहां पर एरोमेटिसिटी वाला स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट हो जाएगी, किसके अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। साथ ही साथ यहां पर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपका रिमेनिंग रहेगा, उसके साथ में आपकी फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी चलेगी, देन हमारा असाइनमेंट पैटर्न चलेगा। सेम वही पैटर्न में अप्लाई होगा 15 डे को, लास्ट डे को आपको क्या प्लानिंग होनी चाहिए, एरोमेटिसिटी, क्योंकि बाइंड अप हो जाएगी 2 डे में। उसके बाद इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी 2 डेज का कवर रहेगा। उसके बाद में यहां पर हम लेंगे ग्रुप थ्योरी और फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ग्रुप थ्योरी आपका 1 डे का प्लान है, इजी गोइंग हो सकता है, सॉलिड स्टेट 1 डे का है, सरफेस केमिस्ट्री 1 डे का है, मैक्रोमोलिक्यूल्स 1 डे का प्लान है। रिवीजन की बात करूं तो ये ग्रुप थ्योरी के साथ फिजिकल स्पेक्ट्रम बाइंड अप हो जाएगी और आपका प्रैक्टिस करते हुए आप रिकॉल कर सकते हैं। तो यहां मैंने आपके सामने कितना दिन का स्ट्रेटजी प्लान डिस्कस किया, 15 डेज का। लास्ट 15 डेज का जो स्ट्रेटजी प्लान है वो आपका क्या होना चाहिए, वो मैंने आपके सामने 1 by 1 पर डे विद टाइम मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस किया है। ये टाइम देखते रहिएगा, मैंने सब टाइम के बीच में गैप दिया है आपको, ताकि आप वो जो यहां पर 1 आवर का गैप प्लान है, 2 आवर का गैप प्लान, यहां पर 1 आवर का, ये आपका टाइम को मैनेजमेंट करते हुए जो आपने रीड किया है उसको आप साथ के साथ एक क्विक रिविजन भी यहां पर करते रहे, उसके लिए आपको यहां पर टाइम मैनेजमेंट बीच में गैप दिया गया है। तो ये जो आपकी स्ट्रेटजी है, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ही अल्टीमेट और यूनिक स्ट्रेटजी है। आप यदि इस रिविजन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, जिनकी स्ट्रेटजी अब यदि कंप्लीट कोर्स हो चुका है, आप इस रिविजन स्ट्रेटजी को देखिए, कोई भी आपको यहां पर डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेट प्लान है जो मैंने आपको समझाया है यहां पर इस वीडियो के थ्रू, यदि आप ये लास्ट 15 डेज में अप्लाई करते हैं स्ट्रिक्टली, देन यू गेट बेस्ट रैंक इन CSIR नेट GRF 2020। बहुत अच्छी तरीके से आप अच्छी रैंक यहां पर सिक्योर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो आपको ये फॉलो करनी है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, समय आ चुका है अब एग्जाम का। सो बी सीरियस होकर के आप इस चीज की प्रिपरेशन में लग जाइए, स्ट्रेटजी प्लान आपके सामने यहां पर आ चुका है। क्लियर है यहां तक मेरी बात? कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, द अल्केमी के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। आपको जितने भी यहाँ पर एजुकेटर हो आपको वहां पर साथ के साथ आपको डायरेक्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे जो भी आपकी क्वेरी है। साथ ही साथ अल्केमी की लाइब्रेरी में आपको सारी चीज वहां पर अवेलेबल है, टेस्ट पेपर्स, मेटेरियल्स, बुक्स ऑल आर वहां पर प्रोवाइड है। ठीक है यहां तक? अब मैं आपके सामने कंप्लीट जो टॉपिक डिस्कस किए मैंने मेजर और माइनर पर डे विद टाइम मैनेजमेंट, उसके लिए कौन सी बुक आपको लास्ट टाइम में, यदि किसी के पास वक्त फिर भी रहता है, टाइम है, तो वो बुक की तरफ मूव ऑन कर सकता है। तो वो बुक्स को किस प्रकार से, कौन कौन सी बुक्स, कौन से टॉपिक के लिए मेजरली आपको फोकस्ड करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आप उस चीज को जरूर एक बार देख लें, क्लियर है, ताकि आपको एक रफली आइडिया हो जाए कि किस प्रकार की, किस टॉपिक के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, जिससे हमारा एक अच्छा रिजल्ट उस टॉपिक उस सिलेबस में बन सकता है। क्लियर है? तो मैं आपको बता देता हूं वो बुक्स कौन कौन सी है, रेफरेंस बुक के नाम से मैं आपको बता देता हूं। अब मैं बात करता हूं रेफरेंस बुक्स की। अब वो रेफरेंस बुक्स कौन कौन सी है आपको वो ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय अजय कुमार सर। अजय कुमार सर की बुक आती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, बहुत ही बेहतरीन और शानदार बुक है। उसके बाद ओएमसी और बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी अजय कुमार सर की बुक आती है, दोनों बुक बहुत शानदार है। यदि आप इसको रीड करना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से आप इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिशेल टाल की आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेम्स हुई। ये जो बुक्स है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप लोगों के सामने डिस्कस करी, ये जो बुक्स है चारों, यदि ये बुक्स आप यदि प्रेफर करना चाहते हैं साथ ही इन टॉपिक के पढ़ते हुए तो कुछ कंसेप्ट आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ फिफ्थ नंबर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने बताया यहाँ पर जोनाथन क्लेडन की जो बुक आती है, क्लेडन वाली बुक, वो आप यहाँ पर उसको कवर कर सकते हैं। उसमें से कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आप वहां पर रीड कर सकते हैं और प्रैक्टिस डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां पर आप लगा सकते हैं। फिर आता है मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इसके अंदर आपकी आती है डब्ल्यू कैराथस की जो बुक आती है वो है, और साथ ही साथ सेम मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय जियोफिल एंड नर्स की जो बुक आती है। ये दो बुक्स हैं, ये टोटल थ्री बुक्स हो गई आप लोगों के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देन स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करो तो नासिकपुरी की जो बुक आती है वो आप बहुत अच्छे तरीके से वहां से, यदि स्टीरियो केमिस्ट्री में कमांड करनी है तो आप नासिकपुरी को कवर कर सकते हैं। फिर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो फिजिकल केमिस्ट्री की यहाँ पर मैंने आपके सामने दो बुक्स लिखी है, पहली है पुरी शर्मा पठानिया पीएसपी और सेकेंड है एटकिंस, इनको और ये आप रीड कर सकते हैं। दोनों बुक्स ये बहुत ही अच्छी है, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कवर कर देती है। तो ये आपकी जो सामने मैंने रेफरेंस बुक रखी है ये आपको द अल्केमी के लाइब्रेरी जो ग्रुप है चैनल टेलीग्राम के ऊपर वहां पर भी आपको अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और वहां पर भी आपको कोई प्रॉपर नहीं मिल पाया तो आप अदर बुक्स जो रेफरेंस है मेटेरियल है वो आप वहां पर कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टीम है। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि जो प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट में आप जाके विजिट करेंगे तो आपको कंप्लीट चीज वहां पर आपको मिल जाएगी, चाहे पर्टिकुलर बुक्स की बात की जाए, चाहे वसीम के दास के और वॉल्यूम्स हो वो भी आपके सामने भी डाउनलोड ऑप्शन के साथ फिर आपको प्रोवाइड कर दिए गए आप लोगों के लिए, ठीक है। इंपोर्टेंट चैप्टर के आपकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा जो है वो आप डिस्कस करते हैं, ओएमसी आपके सामने, एडब्लॉक बायोऑर्गेनिक के जो मेजर टॉपिक एक बार होना चाहिए एग्जाम से पहले वो आपके सामने वहां पर कवर कर दिए, तो आप वहां जाकर के वीडियो के थ्रू विजिट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर आपके अभी आपको पता होगा जियोफिल नर्स का जो सॉल्यूशन है, क्लेडन का सॉल्यूशन वो आप लोगों को स्टार्ट कर दिया गया है, तो आप उसको कंटिन्यू विजिट करते रहिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वांटम, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री, ये आपके कई टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। और जो आपके सामने इंपोर्टेंट है वो है लाइव क्विज, जो आपके सामने क्विज डिस्कस करी जा रही है मेंटी के द्वारा, उन क्विज में आप रेगुलर बने रहिएगा। इंपोर्टेंट टॉपिक्स अब तक आपके सामने कवर कर लिए गए, बहुत ही शानदार और क्वेश्चंस हैं उसके अंदर जो आपके अपकमिंग एग्जाम में डेफिनेटली आ सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप एक बार उनको जाकर के देखेंगे तो वो आपको मिलेगी। साथ ही अब आपको कंटिन्यूसली सारे टॉपिक्स जो रिमेनिंग बचे हुए उन सभी टॉपिक के ऊपर प्लीज आपको पर डे मिल जाएगी, ताकि आप वहां पर एक बार कंप्लीट सिलेबस को रिकॉल कर लें। उसके बाद आपका जो स्ट्रेटजी प्लान है आप 15 डेज का बना करके और बहुत ही अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी को तैयार कीजिए। आपके लिए समय अब बहुत कम बचा है,
कंसंट्रेशन से, इसलिए स्ट्रिक्टली आपको तो तैयार करना है ताकि आप इस एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से इस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर लें और अच्छे रैंक भी आप सिक्योर करें। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बी हैप्पी।